Hmm. देखिए इस केस में तो अरेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज प्रायर ऑर्डर मजिस्ट्रेट के हैं नहीं और केस है नॉन काग्निजिबल कॉग्निजिबल एंड नॉन काग्निजिबल केस के बारे में तो आप जानते ही होंगे अगर नहीं जानते तो आज जान जाओगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि काग्निजिबल केस की और नॉन कॉग्निजिबल केस की प्रोसीडिंग कैसे इनिशिएट होगी और वो कैसे एंड होगी साथ ही साथ जानेंगे कि क्या प्रोसीडिंग फॉलो करेंगे अगर हमें यही ना पता हो कि ऑफेंस कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए ऑफेंस को दो कैटेगरीज़ में बांटा जा सकता है एक है कॉग्निजिबल दूसरा है नॉन कॉग्निजिबल तो जब भी कोई ऑफेंस होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप पुलिस ऑफिसर को देते हो अगर वो ऑफेंस कॉग्निजिबल नेचर का है तो पुलिस ऑफिसर रजिस्टर करती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट शॉर्ट में एफ फिर वो स्पॉट पे जाती है स्पॉट पे जाके एविडेंसेस कलेक्ट करती है आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करती है साथ ही साथ अगर कोई अरेस्ट नेसेसरी है तो अरेस्ट भी की जाती है इसी पूरे प्रोसीजर को आप बोलते हो इन्वेस्टिगेशन वहीं दूसरी ओर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर बात करें तो जब भी कोई ऑफेंस होता है और अगर आप उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को देते हो तो पुलिस ऑफिसर रजिस्टर करती है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट शॉर्ट में एन सी आर एन सी आर के केस में ना तो पुलिस ऑफिसर कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और ना ही कोई अरेस्ट कर सकता है अनटिल एनलिस प्रायर ऑर्डर मजिस्ट्रेट का उसके पास हो अब एक सिचुएशन ऐसी भी अराइज हो सकती है जहाँ पे ऑफेंस के बारे में पता ही ना हो दैट मीन्स कि वो किस नेचर का है कागनीजिबल है नॉन काग्निजेबल है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा क्या पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके अगर पता चले कि ऑफेंस तो नॉन काग्निजेबल था और प्रायर ऑर्डर्स तो लिए नहीं थे मजिस्ट्रेट के तो इस सिचुएशन में क्या होगा देखिए पुलिस ऑफिसर अगर ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और बाद में पता चले कि वो ऑफेंस तो नॉन काग्निजेबल था और प्रायर ऑर्डर्स तो लिए नहीं थे मजिस्ट्रेट के तो इस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट सबमिट करेगा मजिस्ट्रेट को अब उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट एज कंप्लेट डील करेगा और पुलिस ऑफिसर बन जाएगा कंप्लेनेंट और मजिस्ट्रेट उस कम्प्लेन पे इंक्वायरी प्रोसीड करेगा अगर आप नहीं जानते इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल क्या होते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट की अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है इन स्टेजेस पे आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ जो भी मैंने कहा वो कहाँ लिखा है किस प्रोविज़न में, में मेंशन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहें तो मेरा ब्लॉग रीड कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच